आज हम इस वक्त जो चुड़गुप्पा में, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना। नहीं नहीं, कोई जो है ना एमएलए है ना एमपी है या श्री राजशेखर पाटिल जी, जो आज तक के जो रोहित सरदाना था उनका भी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गया। खुदा के नाम लेकर बहुत सारे डिबेट करते थे टीवी के ऊपर में, खुदा ने उनको बुला लिया। कोरोना से बचना है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हमको सुनने में ये आ रहा था कि एक घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो हाइबत भी नहीं खाना है, मौत हो चुकी है। जबकि कर्नाटका में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तक यहाँ पे एमएलए एमपीज वगैरह विजिट के लिए आए आपके पास में चुड़गुप्पा में? नहीं नहीं, कोई जो है ना एमएलए है ना एमपी है। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूँ गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त जो चुड़गुप्पा में, आप सभी को मालूम है कि कोरोना की महामारी चल रही है, जो पिछले 8 दिन के अंदर में 50 से ज़ायद लोगों की चुड़गुप्पा में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना को मजाक लेने का हरगिज़ मत सोचिए, क्योंकि कोरोना बिल्कुल है। किसी भी हालत में इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना से बचना है तो हैबत भी नहीं खाना है। और जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा है कि हैबत से हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे लोग का इंतकाल हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो हम आपसे उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारा काम सिर्फ एहतियात करना है। अगर बीमारी आई तो वो खुदा की मर्ज़ी बोलना है, क्योंकि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में आज 2,08,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कर्नाटका में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कली जो आज तक के जो रोहित सरदाना था उनका भी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गया। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग, चंद लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने खुदा के नाम लेकर बहुत सारे डिबेट करते थे टीवी के ऊपर में, खुदा ने उनको बुला लिया। ये भी बोल रहे हैं कि रोहित सरदाना जो है, जो अपने भड़काऊ भाषण देते थे और 50% कोरोना ख़त्म हो गया, इस तरीके के बातें लोग सोशल मीडिया पे वायरल करने बैठे हैं कि पुलिस अपने अपनी ड्यूटी कर रही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अपने अपने घरों में रहने के लिए पुलिस का अपना अपना काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, हम आपको सारा चुड़गुप्पा आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरी तरह लोग घर में हैं और पूरी तरीके से लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और हम सारे हिंदुस्तान के लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, कोरोना को मजाक में लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। थैंक यू। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, कोरोना से बचना है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये हमारे साथ में है जो चुड़गुप्पा के प्रेसिडेंट एमआईएमसी के, इस चुड़गुप्पा के हालात के बारे में। तो सर आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस हो गए सर चुड़गुप्पा में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान का दूसरा आशूरा मुबारक। और मैं इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा का व्यूअर्स से रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले कोरोना जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये गली गली, गांव गांव, शहर शहर, और हमारे साथियों को, हमारे दोस्त अहबाब, जाने, हमारे साथ उठने बैठने वालों को लेके जा रहा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब अपने अपने घर में स्टे होम, स्टे सेफ रहिए। और सबसे पहले चुड़गुप्पा के अंदर, ख़ासकर चुड़गुप्पा हॉस्पिटल के अंदर ना ऑक्सीजन की सहूलत है, ना हुमनाबाद के अंदर है, और है जहाँ पे है वहाँ बेड नहीं है, वो नहीं है। अब जो भी है हजरात, जो हमारे बुज़ुर्ग है हमारे साथ में, मेरे को फ़ोन्स वगैरह आते रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, ज़रा इंतज़ाम करो, तो मैं गुलबर्गा से मंगाता हूँ। लेकिन जो है सो बचने के भी है पेशेंट, उनको क्या है, कोई सहूलत नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों से अपने आप को घर में जो है ना अच्छा मेंटेन करिए। जी सर, हमको सुनने में ये आ रहा था कि एक घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ये कहाँ तक सही है सर? हाँ, ये तो है, देखो बहुत बड़ी दुख की बात है। यहीं हमारे घर के बाजू है, वो कोरोना से ज़्यादा, हैबस से ज़्यादा मर रहे हैं, हार्ट से ज़्यादा मर रहे हैं। और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि अब वहाँ मरे यहाँ मरे,
और ऐसा जाके आप घर में बोल रहे हैं और हमारे घर के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग सुन के जो है ना हाथ पे अपना दाल ले रहे हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सक रहे। दवाखाने को लेकर गए तो दवाखाने के अंदर कोई उसको देख रहा नहीं जी। तो हमारा क्या है बोले तो जहाँ पे करीब में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे सहूलत होना चाहिए ऑक्सीजन की, और यहीं पे अच्छा ट्रीटमेंट होना जी। अभी तब तक सर चुड़कुपा में कितने लोगों की मौत हो चुकी है सर कोरोना से? बहुत बहुत लोग हो गए, मैं समझता हूँ 8 दिन के अंदर 50 के करीब जो है ना चुड़कुपा के अंदर मौतें हो गई। हिंदू मुस्लिम नौजवान हमारे, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग ही गए, बहुत नौजवान गए भाई, बहुत दुख की बात है चुड़कुपा। सर अभी भी चंद लोग हैं जो कोरोना को मजाक में ले रहे, कह रहे कि कोरोना है ही नहीं, चुप एक अफवाह चल रही है, तो ये इसके ऊपर में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं उनसे हाथ जोड़ के अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को ईजी मत लीजिए, और हिमाकत करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर मास्क के आप घर के बाहर निकलिए ही मत। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, हाथों को जो है सो धोना ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा नौजवान तो यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं जी। जी सर, अब तक यहाँ पे MLA MPs वगैरह विजिट के लिए आए आपके पास में चुड़कुपा में? नहीं नहीं नहीं, कोई जो है ना MLA है ना MP है ना कोई स्टेटमेंट है ना कोई दौरे है। गरीब जो है ना पूरा एहतियात कर रहा है भाई, मगर क्या है उनको खाने को परेशानी है, फिर जो है सो यहाँ पे कोई जो है ना गवर्नमेंट की सहूलत ही नहीं है यहाँ पे सबसे। और तो बस्तियों में ना लाइटों की ज़रूरत है, ये है पूरा नालियाँ। आप रमज़ान में देखो, आप मैं देखता हूँ ये रोड पे हमेशा चुड़कुपा भवानी की बस स्टैंड तक, न्यू बस स्टैंड से भवानी तक हमेशा लाइटिंग रहती थी, आज देखिए आप पूरा अंधेरा है। इससे भी लोग क्या है मालूम है, डर के माने डर का एक माहौल पैदा हो गया, कोई लाइट चालू नहीं है। और हमारे गली का काउंसलर हो MLA हो कोई इसको तवज्जो नहीं दे रहे। लोकल MLA कौन आते सर यहाँ पर? यहाँ श्री राजशेखर पाटिल जी आते हैं। अब तक विजिट नहीं करे वो आके? नहीं नहीं करे, उनको बहुत ज़रूरी है करना चुड़कुपा, हालात लेना जानकारी लेना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी उनको विजिट करना चाहिए कि क्या पे यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर ले रहे हैं आप अपने काउंसलर से, नहीं चलेगा ऐसा, आके आप जो है सो पूरा यहाँ देखिए। यानी 8 दिन में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, फिर भी MLA यहाँ पे आके विजिट नहीं करे? नहीं नहीं कुछ करे नहीं, कुछ चुड़कुपा के ताल्लुक से बोल रहे भी नहीं, कैसा करना है क्या नहीं, बहुत हालत ख़राब है भाई चुड़कुपा के। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस रमज़ान के तुफेल जो है सो पूरा कोरोना को ख़त्म करे। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि रमज़ान के महीने में आप दुआ करिए कोरोना की वबा को जो है ना ख़त्म करे जल्द से। आप तो प्रेसिडेंट हैं सर जो MIM से चुड़कुपा में, तो आप क्या क्या हेल्प किए सर आवाम के? मैं देखो हर तरफ जाता हूँ और मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकते होंगे भाई। अब यहाँ से मैं बाहर कहीं विजिट कराऊँगा बोले तो वहाँ पे बेड खाली नहीं रहते, अब जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना, अब वहाँ जाने से अच्छा है भाई यहीं उसको कुछ कोशिश करेंगे बोल के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है। मैं सुनता हूँ कि चुड़कुपा के हॉस्पिटल में भी अगर कुछ अगर सहूलत रखे तो कुछ हो सकता है कि यहाँ पे भी हम कुछ करने कुछ। अब यहाँ जाते हैं कि बिदर भेजते हैं, बिदर में कुछ बेड ही नहीं है। अब देखो बिदर के हॉस्पिटल से चुड़कुपा के अंदर कई बाड़ियाँ को भेजा गया और पेशेंट के पास कोई पेशेंट को जो है ना ये नहीं कर रहा। ऑक्सीजन का इंतज़ाम किए सर चुड़कुपा में आप? हाँ, मेरे को फ़ोन आया था, मैं मिर्ची सेठ को लगा के बोला तो उन्होंने सिलेंडर वगैरह भेजो बोले, और MIM की तरफ से जो है ना ऑक्सीजन जैसा गुलबर्गा बसो कल्याण में हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ भी हो जाए ऐसा इंतज़ाम, और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ऑक्सीजन की भी हम पूरा जो है ना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहना चाहें सबसे यही गुजारिश करूँगा, स्टे होम स्टे सेफ, और जो है सो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चुड़कुपा में हैं जो 50 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, क्योंकि आप भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, ज़रूरत के मुताबिक अपने घरों से बाहर निकलिए, कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस कोरोना को मजाक में लेने का बिल्कुल 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 भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में 2,08,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कर्नाटका में 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली ले और अपने अपने अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिए। थैंक यू।
कैसा है ऐसे कैसा है।